अप्रैल का महीना में एग्जाम दे चुके हैं और इंग्लिश में फेल हो चुके हैं। इस बार फिर अक्टूबर का महीना में एग्जाम देने आ रहे हैं, ठीक है, और अभी भी उनको डर लगा हुआ है, सर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें, वही एनआईओएस के एग्जाम में। कोई ऐसा कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे आप सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, एक कंप्लीट वीडियो ग्रामर का आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा। तो मैं आप लोग का एसकेएस सर आज के वीडियो में एक अच्छा खासा क्वेश्चन लेकर आया हूं, ओनली फॉर ग्रामर। पूरा क्लास को एंड तक बने रहिएगा, संग में क्वेश्चन, संग में उसका आंसर पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एकदम इजी लैंग्वेज में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ग्रामर को देख के उनको डर लग जाता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ग्रामर किए हैं अपने टाइम में बहुत, लेकिन उनका प्रैक्टिस नहीं होने के कारण सिली मिस्टेक हो जाता है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वहां पर एक दो क्वेश्चन ऐसा जाता है छुपा रुस्तम कि आप गलती कर बैठते हैं। तो आज सारा डाउट, सारा पर्दा फाश होने वाला है, किसका, इंग्लिश का। और पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, पूरा आज एक वीडियो, आज मात्र इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, गारंटी दे रहा हूं, चाहे अक्टूबर का महीना इंग्लिश का एग्जाम हो, चाहे मान लीजिए अप्रैल का महीना इंग्लिश का एग्जाम हो, आपका क्लास 12 का एनआईओएस का एग्जाम इंग्लिश पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छा नंबर से। मात्र आप एक सेक्शन की वजह से जो है इंग्लिश एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकेंड नंबर हर एक स्टूडेंट को मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, थर्ड नंबर मुझे अगर लाइक करते हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं, इस क्वेश्चन के जरिए क्या होगा ना, एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आ जाए ग्रामर का, आपको जो मैं लॉजिक देने वाला ना हूं आज, उस लॉजिक को ना खाली पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, एनआईओएस के एग्जाम में हिंदी में, पेंटिंग में, डेटा एंट्री में, कंप्यूटर साइंस में वगैरह वगैरह, आप सभी जगह क्या करते हैं, छक्का मार लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का पेपर में आप अटक जाते हैं। ऐसा क्यों? इस वजह से है क्योंकि आप अभी तक ट्यूशन क्लास नहीं लिए हैं। और कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ट्यूशन क्लास ज्वाइन तो किए हैं लेकिन एग्जाम का दो महीना पहले। मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो में अगर आप पूरा अगर अच्छा से अगर दिमाग में उतार लीजिएगा तो गारंटी लेता हूं इंग्लिश का एग्जाम आप फेल नहीं होइएगा। तो चलता हूं, फटाफट कॉपी को ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहां पर फटाफट देख लीजिए लिखा हुआ है एनआईओएस का एग्जाम क्लास 12। याद रखिएगा यह वीडियो किसके लिए फायदा है, जो स्टूडेंट अक्टूबर का एग्जाम देने जा रहा है एनआईओएस का इंग्लिश क्लास 12 उनके, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मान लीजिए 2024 का अप्रैल वाला भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट फ्रेशर है वो भी वीडियो को देखें। जो स्टूडेंट मान लीजिए पिछला साल एग्जाम दिए थे अप्रैल वाला या दिसंबर वाला लेकिन एग्जाम में सक्सीड नहीं हुए थे, कोई बात नहीं है, मैं आप लोग का एसकेएस सर आ चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एनआईओएस क्लास 12, ठीक है, इसका एग्जाम सबसे पहले बता दे रहे हैं, इसका एग्जाम दो बार होता है, पहला जो है आपका अक्टूबर में, दूसरा आपका अप्रैल महीना में, क्लियर। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, आफ्टर जो है 8 डेज के बाद में जो है शायद जो है इसका जो है 9 अक्टूबर को जो है इसका एग्जाम होने वाला है, शायद 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर देख लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले बता दे रहे हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपियर होते हैं माय डियर, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा एनआईओएस का क्वेश्चन पेपर, एनआईओएस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपको मिलेगा, तो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, टोटल क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब आपका सेक्शन इस तरह से डिवाइड रहता है, देख लीजिए सेक्शन ए में जो है आपका 15 मार्क्स का रसगुल्ला, ए आपका जो है एक अनसीन आता है, ठीक है। सेक्शन बी में जो है आपका जो है 25 मार्क्स का रसगुल्ला, ठीक है। सेक्शन सी में जो है ग्रामर, और सेक्शन डी में जो है आपका लिटरेचर, जो चैप्टर क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, और सेक्शन डी बोल फिर से
ए आपका अनसीन, ए आपका जो है सेक्शन बी में आई थिंक हमें लग रहा है राइटिंग स्किल होगा माय डियर, राइटिंग स्किल। सेक्शन सी में आपका ग्रामर और सेक्शन डी में आपका इंग्लिश लिटरेचर, जो एनआईएस का क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर सीन जिसको कहते हैं वो आपका है। तो सर आज के वीडियो में क्या आप पूरा सेशन, पूरा सेक्शन आप पढ़ाने वाले हैं? माय डियर पूरा सेक्शन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। मैं चाहता हूं इसको तोड़ तोड़ के क्यों ना सजेशन स्टूडेंट को दूं। तो स्टूडेंट ज्यादा कर देखते हैं इसमें छक्का मार लेते हैं, इसमें जो है छक्का लग जाता है सेक्शन वन ए में बेड़ा पार, सेक्शन बी में भी बेड़ा पार हो जाता है स्टूडेंट का, सेक्शन डी में भी बेड़ा पार हो जाता है स्टूडेंट का, सेक्शन सी में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मीन्स ग्रामर। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, ग्रामर एग्जाम में बहुत ईजी आता है एनआईएस का, सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक मतलब सेंटेंस ऐसे देगा तो उसको ऐसे बना देना है, सेंटेंस ऐसे देगा तो उसको ऐसे बना देना है, सेंटेंस ऐसे देगा तो उसको ऐसे बना देना है। तो फटाफट क्या कीजिए, अब मैं चलता हूं सेंटेंस के तरफ और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन दर्रा बाई दर्रा आपको सिखाने जा रहा हूं। फिर से समझ लीजिए, सेक्शन सी में एक्सप्लेन आज करूंगा टोटल सजेशन। मीन्स सेक्शन सी, सिर्फ एक सेक्शन को अगर आप सॉल्व कर देते हैं इजी तरीका से, गारंटी दे रहे हैं आपका इंग्लिश में तो 70, 80, 90 एनआईओस का एग्जाम में हंस के आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर जब एनआईओस का आपको मिलेगा ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो है 1 से 20 तक रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1 से 20। क्लियर है? तो 1 से 20 आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब हम लोग चलते हैं, आज सर आप कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर का एनआईओएस का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें कौन सा आप क्वेश्चन जो है कवर करना चाहते हैं? तो आज मैं जो क्वेश्चन मैं आप लोग को जो क्लास देने जा रहा हूं, जैसे ही इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा फटाक से क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 7 में चल जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में चल जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में चल जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में चल जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में चल जाइएगा। एक क्वेश्चन जो है टोटल जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये टोटल आपका 30 मार्क्स का कंप्लीट करेगा। ठीक है, टोटल 30% आउट ऑफ 100 कैप्चर करेगा। और यही जो है पोर्शन जो है स्टूडेंट को बड़ा तकलीफ होता है। बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं ग्रामर का जी नहीं मालूम है, आर्टिकल किसी कहते हैं, प्रीपोजिशन कैसे होता है, ए एंड द कहां लगता है ठीक है, रिमूवल ऑफ टू क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं, सिंपल किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, इन्फिनिटिव सेंटेंस आपका आता है, WH फ्रेमिंग वर्ड आता है, स्प्लिटिंग, रिमूवल ऑफ टू, एज सून एज, टोटल एटसेट्रा, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम में इतना सारा पढ़ना होगा? कुछ नहीं, टू द पॉइंट जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उतना पढ़ के चल जाइए, गारंटी देता हूं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा। फिर भी आपका मन है एक्स्ट्रा पढ़ने का, जो आप सर सिखा रहे हैं हर चैप्टर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ग्रामर, ग्रामर में आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, आपको मॉडल सेट पेपर सॉल्व करना होगा। एनआईओएस का पिछला साल का जितना साला सारा क्वेश्चन आया हुआ है उसका मॉडल सेट पेपर क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको मॉडल सेट पेपर मीन्स बहुत सारा ग्रामर का क्वेश्चन संग में विथ आंसर, क्योंकि जब क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में क्या कीजिए, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ क्या करूंगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन जो है मैं आपको जो एनआईओएस का एग्जाम में आता है जिस तरह का सब आपको दे दूंगा वहां पीडीएफ में, विथ आंसर भी दे दूंगा। क्योंकि जब आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, सपोज तो आप ट्यूशन नहीं कर रहे हैं मेरे यहाँ या किसी और सर के पास, बहुत दूर रहते हैं, तो आप घर में आंसर तो बना लीजिएगा लेकिन उसको चेक कैसे कीजिएगा, उसको प्रूफ रीडिंग कैसे कीजिएगा, उसको चेक कैसे कीजिएगा? तो विथ आंसर में मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा एकदम लिटिल अमाउंट में। सर अमाउंट भी बता देते हैं, मात्र देख लीजिए अफोर्डेबल अमाउंट है, मात्र 99 रुपया।
मात्र 99 रुपया, क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर का स्पेसिफिक कोई अगर किताब मार्केट से आप खरीदने जा रहे हैं तो आपका 500 रुपया गया। फिर पता चला उस किताब को सॉल्व कौन कराएगा, उसके लिए ट्यूशन। अगर आप नियर बाई कहीं मेरे आसपास में रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको क्या करूँगा, कोचिंग का जो है मतलब लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस NIOS का यहाँ हो जाएगा, SKS इंस्टीट्यूट खिदिरपुर कोलकाता, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग का समय ना लेते हुए फिर से बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठिएगा इंग्लिश का, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ओपन कर लीजिएगा। चलता हूँ, अब आपका जब क्वेश्चन पेपर में जैसे ही जा मान लीजिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आप चल जाइएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने में है, क्या है माय डियर, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से है। अब मैं स्लो मोशन में धीरे धीरे अब आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। जिस स्टूडेंट को मान लीजिए पूरा दिमाग में सोच लिए हैं कि नहीं इस साल हमको निकलना है, पिछला साल हम चुक गए थे, फेल हो गए थे, होता क्या है माय डियर, मैं आपको फिर बता देता हूं। देखिए NIOS का जो सिलेबस है, ध्यान सुनिए, टू द पॉइंट, NIOS का जो सिलेबस है 9 और 10 मिला के क्या होता है, बुक वगैरह आपको ऑफर किया जाता है। एक दूसरा नंबर क्या है, NIOS का जो सिलेबस है माय डियर वो आपका 11 ठीक है और 12 दो साल का सिलेबस रहता है, एकदम वास्ट। आप खुद देखे होंगे चैप्टर में 27 चैप्टर 28 चैप्टर, आप खुद नहीं सोच रहे हैं, आप तो खुद पढ़ाई लिखाई किए हैं किसी अदर बोर्ड से, आपके लाइफ में कुछ हुआ होगा पर्सनल इशू जिस वजह से आपका पढ़ाई 2 साल 3 साल 4 साल आपका जो है अटक गया, फिर आप NIOS का आपके पास ऑप्शन रहा, आप चाहते हैं कि NIOS से आप जो है क्लास 10 क्लास 12 पास कर ले और जो है लाइफ में हम आगे मारें, लाइफ में जो है आगे चल जाए, कहीं ऑफिस में आपका प्रमोशन हो सकता है, कहीं भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पे। तो आप चक्कर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का दिमाग में देखते हैं क्या होता है कि स्टूडेंट दिमाग में सोचता है कि 6 महीना में ना हम 19 कवर कर ले, एक बार में एग्जाम में 6 पेपर 5 पेपर 7 पेपर कंप्लीट कर ले, ठीक है, या मान लीजिए लास्ट का 6 महीना में कंप्लीट कर ले, कैसे पॉसिबल आप बताइए ना। हर पेंटिंग का बुक उठाइएगा, उसमें 27 से 28 चैप्टर है, इंग्लिश का आप बुक ले लीजिए जो आपको NIOS से मिलता है, उसमें जो है आपका 27 से 28 चैप्टर है, ग्रामर अलग है, राइटिंग स्किल अलग है, आप 6 महीने में कवर कर लीजिएगा। डेटा एंट्री का एक बार उठाकर देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, टोटल सिलेबस एक बार दिमाग में रखिए। आप इतना इतना किताब लेकर आ रहे हैं, इतना वास्ट सिलेबस, 2 साल का वो लोग का सिलेबस रहता है 9 या 10, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप 50% एग्जाम जो है स्टार्टिंग का 6 महीना में दे दीजिए, लास्ट का 50% एग्जाम क्या करते हैं लास्ट का 6 महीने में। बहुत स्टूडेंट सोचता है ना कि पूरा एग्जाम दे देंगे, हो सकता है शायद निकल जाए, कौन बोला। और बड़ा गलती आप लोग क्या करते हैं, आप एडमिशन ले लिए, आप क्या सोचते हैं यूट्यूब के जरिए या कहीं भी जरिए खुद से पास हो जाइएगा, 10 दिन पहले 15 दिन पहले 25 दिन पहले एडमिशन लिए, कौन बोला, ऐसा मत कीजिए। तो आप क्या कीजिए, 10 दिन पहले आप एडमिशन लिए हैं, 10 दिन आपके पास टाइम है, सीरियस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना पढ़ के 2 महीना पढ़ के आप NIOS का एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो सकता है, किसी ना किसी एक पेपर में आपका जो है गच्चा लग जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, ही हैज, अब एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज में टीच करने जा रहा हूँ, तो फटाफट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैज विजिटेड, वह बंदा, वह बोलने का मतलब लड़का, ठीक है, वह लड़का, ही हैज विजिटेड, वह बंदा घूमने गया, मतलब कहीं पर मान लीजिए विजिट किया, ठीक है माय डियर, विजिट किया, विजिट कहाँ किया है माय डियर, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। सबसे पहले अब यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपको दे दिया है चाहे आर्टिकल,
आर्टिकल का मतलब होता क्या है, आपको आर्टिकल इस्तेमाल करना है या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, हम तो बता दिए, लेकिन वहां पर क्या होता है बताएगा नहीं, वहां आपको ऑप्शन दे देगा। इस तरह से क्या करेगा, एक नंबर देकर ए बी सी डी, इस तरह से आपको ऑप्शन चार्टो दे देगा, इसी में से कोई एक यहां बैठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टू द पॉइंट बता दूं, आर्टिकल मींस होता क्या है। आर्टिकल का मतलब होता है ए एन द, ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन का मतलब आपका होता है जैसे ए एट, ठीक है, इन विथ टू डॉट 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 एटसेट्रा, बहुत होते हैं प्रीपोजिशन। चलते हैं माय डियर, देखिए एक कंप्लीट मैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, आप बच्चों ने पढ़े भी हो गया तो समझ में आया। तो अब आपको भरना क्या है, इसमें क्या भरिएगा, ठीक है, इसमें आप क्या भरिएगा आर्टिकल प्रीपोजिशन में, ही हैज विजिटेड डैश ब्रिटिश म्यूजियम। तो इसमें ज्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले दिमाग का अपना बत्ती जला लीजिएगा। ब्रिटिश म्यूजियम क्या है, देखिए कहानी में बोलने जा रहा, आपका आंसर जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में इसमें दे दिया है। देखिए ब्रिटिश म्यूजियम क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है माय डियर, क्या है माय डियर, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हिस्टोरिकल प्लेस जब भी रहेगा, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम हो या विक्टोरिया मेमोरियल हो या टीपू सुल्तान का मस्जिद हो या मान लीजिए कि आगरा का ताजमहल हो, जो इतिहास में जिसका नाम फेमस है, ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ आ जाएगा तो उसके लिए द लगाते हैं माय डियर, क्या होगा, ही हैज विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम। ही हैज विजिटेड अ ब्रिटिश म्यूजियम नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, अ ब्रिटिश म्यूजियम नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम जो है वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए यहां पर द लगा। अगर यहां पर आगरा ताजमहल रहता तो फिर भी द लगता, ठीक है। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए माय डियर, दिस इज डैश आइलैंड ऑफ पीस इन नॉइजी सिटी, ठीक है। अब आपको यहां पर भरना क्या है आर्टिकल प्रीपोजिशन में, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन में क्या भरिएगा, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन में। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम में माय डियर अगर मिलता है, तो सबसे पहले इस आइलैंड को क्या कीजिए, ठीक है, इसको हिंदी लैंग्वेज में पहले लिख लीजिए। ये देखिए आई लैंड, ठीक है। अब क्या होता है, एक लॉजिक मैं आपको सिखा देता हूं, एग्जाम में तो ये इसका सेंटेंस आएगा नहीं, कुछ और भी आ सकता हूं, लेकिन एक लॉजिक मैं सिखा देता हूं। जब भी कोई फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में, आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स के आफ्टर में मान लीजिए जो जो वर्ड दिया रहेगा, इसको पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह से पहले आप जो है प्रोनंसिएशन हिंदी में लिख लीजिएगा, मींस इसको जो है प्रोनंसिएशन बोलेंगे कैसे, मुंह से बोलेंगे कैसे। तो देखिए आइलैंड, तो आइलैंड का पहला वाला जो है वर्ण उठा लीजिएगा, तो देखिए अ से लेकर अ तक हम लोग पढ़े हैं, अगर कोई भी मान लीजिए प्रोनंसिएशन का पहला अगर वर्ण अगर आ जाता है, ठीक है, अ अ आ ई अ आ ई में रहेगा तो उसके लिए एन लगाते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक अगर रहता है, जैसे क ख ग घ ङ छ छ झ, तो इसके लिए ए लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ओ वाला फॉर्म, इस फॉर्मूला को कहते हैं भोजपुरिया मेथड, क्या कहते हैं माय डियर, भोजपुरिया मेथड। अब देखिए आइलैंड, आइलैंड का देखिए पहला आई 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 आ आ ओ आ रहा है तो यहां पर एन लगेगा, देखिए ई ओ आ रहा है, ओ आई में आ रहा है, इसमें आएगा माय डियर, क ख ग में नहीं आएगा, देखिए आइलैंड आई आई ओ इसमें नहीं आएगा, इसमें एक नंबर दो नंबर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो जब इसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब इसमें आएगा, तो इसमें आएगा तो क्या लगेगा माय डियर स्टूडेंट, एन लगेगा। तो देखिए दिस इज एन आइलैंड ऑफ पीस इन नॉइजी सिटी, क्लियर है माय डियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से समझा देता हूं, जब ओ आई में आएगा तो एन, कख ग में वर्ण में आएगा तो क्या होगा ए होगा, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए आपको यहां पर दिया होगा यूरोपियन, ठीक है, तो यूरोपियन का देखिए पहला क्या होगा, यू रो पियन, तो यूरोपियन का यो योर अलो योर अलो वो योर अलो वो यो यो मेरा किस में आता है माय डियर, कखोग में आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा माय डियर स्टूडेंट, ए लगेगा। ई को देखकर जैसे हम लोग पढ़े ना वोवेल में, वोवेल के आगे एन लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे मतलब ए लगता है, जैसे ए ई आई ओ यू वोवेल, तो उस वोवेल वाला मेथड से अगर जा रहे हैं तो एग्जाम में कोई एक ऐसा वर्ड दे देगा जो आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखिए क्या है दिया हुआ माय डियर, देवघर इज
डैश सीक्रेट प्लेस, ठीक है। देवघर जो है पवित्र जगह है, ठीक है। देवघर जो है एक धर्म का स्थान है माय डियर, तो यहां पर क्या लगेगा, फिर वही मेथड अप्लाई कीजिए। सीक्रेट सौ, अभी सौ किस में आता है माय डियर, सौ किस में आता है, ध्यान से देखिए। क से ज्ञ तक अगर वर्ण रहेगा, क घ घ अंगों में अगर कोई अगर रहता है तो ए लगाएंगे, तो सौ किस में आता है माय डियर, अ लगेगा। यहां पर क्या लगेगा माय डियर, एन नहीं लगेगा। देवघर इज अ सीक्रेट प्लेस, देवघर इज द सीक्रेट प्लेस नहीं होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में गलती भूल से नहीं कीजिएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बोल दिए, ठीक है। तो चलता हूं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अमृता इज डैश ऑर्फेन, ठीक है। अब यहां ऑर्फेन को देख लीजिए क्या है, ओ को देख के आप तो हंस के बोल दीजिएगा ऑर्फेन है, लेकिन एक बार हिंदी से चेक कर लीजिएगा ऑर्फेन, ठीक है। अ क्या आ रहा माय डियर, अ तो अ मेरा जो है अ आई ई में आता है, तो इसलिए एन लगेगा। जब भी पहला अक्षर अ आई में रहेगा तो एन लगेगा, जब भी मान लीजिए क ख ग में अगर रहता है तो क्या होता है माय डियर, आपका ए लगता है। तो ऑर्फेन का ओ भोवेल ए आई ओ यू ओ, तो एन लगा, हिंदी से भी चेक कर लीजिए एन लगा। तो चलता हूं माय डियर नेक्स्ट, तो फटाफट देखिए। द गर्ल हैज बीन मिसिंग, सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं हम जिस मेथड से सिखा रहे हैं सेंटेंस ऐसे ही वहां पर रहेगा, लेकिन फर्क आपको पूरा पूरा का पूरा इजी दे देगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाता है वहां पर ए बी सी डी, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा, सामने एन दे देगा, द दे देगा, ऑन दे देगा, विथ दे देगा, इन चारों में से कोई एक लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स में, यहाँ पर याद रखिएगा। एनआईओएस का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर मैं चेक कर चुका हूँ, बहुत इजी तरीका से ग्रामर पूछता है, 30 नंबर मेरा मकसद है आपके झोली में जाए, एक नंबर 29 नंबर लाने का कभी हिम्मत मत कीजिएगा, सीधा 30 लाना है माय डियर, और कुछ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना खट रहा हूं, क्यों खट रहा हूं, क्योंकि 30 में 30 लाना है, याद रखिएगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, द गर्ल हैज बीन मिसिंग, लड़की खो चुकी है, लड़की जो है खो चुकी है, ठीक है, लड़की खो चुकी है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में देखिए यही वाला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देखिए ई नंबर देकर इस तरह से रहेगा, देखिए, ठीक है, आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, फॉर सिंस इन ऑन, इन चारों में से कोई एक ठो आपको लिखना है माय डियर, एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से रहेगा। लड़की खो चुकी है, तो सबसे पहले आपका देखिए हर सेंटेंस में एक चुड़वा बैठा हुआ है, मींस आपको क्लू दे रहा है राइट आंसर का। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस का क्लू देख लीजिए कौन सा है माय डियर, इस सेंटेंस का क्लू ये हैज बीन, जब भी ये हैज बीन देखिएगा तो याद रखिएगा इसको कौन सा टेंस में बोलते हैं, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपका सिंस लगता है टाइम के लिए और फॉर लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए टाइम दिया हुआ माय डियर यस्टरडे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई सप्ताह का नाम रहता, कोई साल का टाइम दे दिया था 1991 1992, या मान लीजिए कोई महीना का नाम रहता, या मान लीजिए मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग रहता, तो यहां सीन्स लगता, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ नहीं दिया है, साल का नाम नहीं दिया है, महीना का नाम नहीं दिया है, सप्ताह का नाम नहीं दिया है, तो यहां सीन्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा माय डियर, फॉर लगेगा। देख लीजिए द गर्ल हैज बीन मिसिंग, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, गलती सीन्स मार के आएंगे, ठीक है। द गर्ल हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, अगर यही यस्टरडे जगह क्या, अगर एग्जामिनेशन हॉल में यस्टरडे के जगह पर, इंस्टीड ऑफ यस्टरडे, यस्टरडे के जगह पर अगर लास्ट नाइट दे दे, क्या दे दे, लास्ट नाइट मींस पिछला रात या लास्ट डे, लास्ट ए वाला वर्ड दे देगा ना, तब सिंस लगेगा, क्योंकि सियोर, सिंस का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, जो सियोर टाइम हो, सियोर टाइम मींस सर्टेन टाइम, उसके लिए सिंस लगता है। फॉर का प्रयोग कहां करते हैं, अनसर्टेन टाइम, जो अनिश्चित हो, जो कच्चा हो, ठीक है, पक्का के लिए सिंस, कच्चा के लिए फॉर। तो यहां पर फॉर यस्टरडे हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वीडियो में बारिश का आवाज सुन रहे होंगे बाहर, मैं क्लास के बाहर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसका आप चिंता मत कीजिए, आप फोकस इस पे कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर आपके सामने में क्या है, वी होप, हम लोग आशा करते हैं, टू रीच, पहुंचना, वी होप टू रीच, हम लोग आशा करते हैं पहुंचना ऑफिस, हम लोग ऑफिस आशा करते हैं पहुंचना, ठीक है,
हम लोग, मेरा उम्मीद है कि हम लोग ऑफिस पहुंच जाएंगे, ठीक है। कब तक पहुंच जाएंगे बाबू? एक घंटा। अब यहाँ ऑप्शन में लिख दे रहे, आपका आसान हो जाएगा, एक घंटा। तो बाई एक घंटा, ठीक है, विथ एक घंटा, ठीक है, या अगर मान लीजिए कि ऑन एक घंटा, या मान लीजिए कि बिफोर एक घंटा, ये चार ऑप्शन। तो बाई का मतलब होता है जब कोई समय से पहले, जब कोई समय से पहले अगर मान लीजिए कोई जगह हम पहुंच रहे हैं तो उसके लिए बाई एन आवर, या एग्जामिनेशन हॉल हॉल में भी हो सकता है आपका ऑप्शन है, बाई ना देके विद इन दे देगा वो लोग, ठीक है। देख लीजिए, विद इन, विद इन का मतलब होता है समय के अंदर, क्या होता है माय डियर, समय के अंदर। तो वी होप टू रीच द ऑफिस विद इन एन आवर, क्या होगा माय डियर यहां पर, विद इन एन आवर मींस हम लोग ऑफिस पहुंच जाएंगे। मान लीजिए घर से निकल चुके हैं लेकिन अभी भी हमको लग रहा है समय मेरे पास एक ही घंटा है, और मेरा फ्रेंड बोल रहा है भाई ऑफिस कब तक पहुंचेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं भाई एक घंटा के अंदर हम लोग ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, विद इन एन आवर, एक घंटा के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे ऑफिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर, द एक्सप्रेस डिपार्ट्स, मतलब एक्सप्रेस बोलने का मतलब क्या है माय डियर, ट्रेन। देखिए तोड़ तोड़ के हम सारा चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। द एक्सप्रेस मतलब ट्रेन, द ट्रेन आप एक्सप्रेस बोलिए या ट्रेन बोलिए मन में, द एक्सप्रेस ट्रेन डिपार्ट्स, डिपार्ट्स मतलब छूट गई, क्या होता है छूट, ट्रेन छूटती है पक्का टाइम। याद रखिएगा कोई भी रेलवे स्टेशन में, जैसे हावड़ा जहां से स्टार्टिंग होता है, बीच में ट्रेन क्या होता है ना, मतलब लेट होता है, डिले है वगैरह वगैरह, लेकिन जहां से ट्रेन छूटती है, खुलती है, वो पक्का टाइम होता है, पक्का, क्या होता है माय डियर, पक्का, ठीक है, पक्का टाइम होता है। तो पक्का टाइम के लिए क्या होता है माय डियर, जब कोई चीज पक्का टाइम हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे माय डियर, यहां पर एट लगाएंगे, एट 5 PM, क्लियर है। कोई जगह पे जाए, मान लीजिए पक्का टाइम में आप सुबह उठ रहे हैं तो ऐट लगाइएगा, पक्का टाइम में ऑफिस जा रहे हैं तो ऐट लगाइएगा, पक्का टाइम में स्कूल जा रहे हैं तो ऐट लगाइएगा, पक्का टाइम में अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ऐट लगाइएगा, पक्का टाइम में अगर मान लीजिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऐट लगाइएगा, एट 5 PM। लेकिन ये ट्रेन कहीं ना कहीं तो जाएगी, दिल्ली जाकर रुकेगी, पटना जाकर रुकेगी, लास्ट इसका स्टॉपेज। तो ट्रेन रवाना हो रही है, डिपार्ट्स का मतलब होता है रवाना हो रही है या छूट रही है, ठीक है, ट्रेन जो है रवाना होती है कहां के लिए माय डियर, ठीक है, विथ चार मीनार होवे ना। तो राइट आंसर क्या होगा माय डियर, राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए 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 जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर चार मीनार, क्या होगा माय डियर, फोर चार मीनार, फोर चार मीनार। तो ट्रेन जो है पक्का 5 बजे रवाना होती है चार मीनार के लिए, चार मीनार जाकर रुकेगी। तो आई होप कि यहाँ समझ में आया, कोई भी ट्रेन का मंजिल जब फिक्स रहता है तो यहाँ पर फॉर लगता है, पक्का टाइम के लिए यहाँ पर एट लगता है, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट यहाँ देख लीजिए, ही वाज किल्ड, कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, उसको क्या किया गया, मार डाला गया। वाज का मतलब पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, और ये पैसिव वॉइस में बना है माय डियर, पैसिव। पैसिव क्या होता है, देखिए चेंज द वॉइस आपका दो होता है, एक एक्टिव एक पैसिव, ठीक है। तो जब वाज लगा के थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, जब वाज लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ही वाज किल्ड मतलब उसको मार डाला गया, ठीक है, उसको जान से मार डाला गया, मार दिया गया, मार दिया गया, किसके द्वारा, डाकू लोग ने मारा, बाई द रॉबर। वहां ऑप्शन देगा, हम फिर बता दे रहे आप लोगों को, वहां चार ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दे देता है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मेरा ये लॉजिक को लेके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, कौन सा चैप्टर पलटू, ठीक है, क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, आपको बहुत मन में डाउट है, तो इस ज्यादा ग्रामर में उतना दिमाग मत लगाइए, हम जो लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक को देख के सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट पेपर मुझसे खरीद लीजिए, मात्र 100 रुपया से कम, ठीक है, नहीं खरीदना है चलिए नहीं खरीदिए, आप अपने 5 साल पहले का, अपने नीचे क्लास का क्या कीजिए, ग्रामर का बुक कहीं अलमीरा में रखे हैं, आपका छोटा भाई छोटी बहन आपके पास में पड़ोस में किसी से भी आप किताब मांग लीजिए। अब मांग के क्या कीजिए, मोबाइल में फोटो ले लीजिए, घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए,
वो भी नहीं, जीरोक्स जाकर करवा लीजिए। कितना आइडिया दूंगा, लेकिन आप अंदर से क्या कर रहे हैं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा एग्जाम है, 10 दिन पहले सीरियस हो जाइएगा, 1 महीना पहले सीरियस हो जाइएगा, अरे मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, अरे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर रहे हैं। आपका लाइफ है, पास हो जाइए। क्या वैसा रिजल्ट का क्या काम जो 2 बार फेल होके कोई पूछेगा कितना क्लास पास हो बाबू, 12 एनआईओ से। तो एक ही ना रिजल्ट होना चाहिए, 3-3 छोड़ रिजल्ट लेकर बैठे हुए हैं, एक बार फेल हो गए हैं सप्ली, फिर सेकेंड टाइम, फिर अप्रैल का महीना में अपीयर हुए, फिर अप्रैल वाला फेल हो गया, फिर अक्टूबर में, एक बार में जो छक्का लगता है ना झाड़ू शॉट, उसको कहते हैं बाजीगर। याद रखिएगा, कोई बंदा चाहे एक बार में निकलिए, एक बार प्राक्स ने मारिए, चाहे आर या पार कुछ भी हो जाइए, तो चलते हैं। तो ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर, उसको जान से मार डाला गया रॉबर के द्वारा। और क्या चीज से मारा, एक टूल से माई डियर, हैचेट, तो विथ हैचेट, ठीक है, विथ हैचेट, कुल्हाड़ी से मार दिया गया। तो नेक्स्ट देखिए, हर फ्रेंड्स, ठीक है, ये हर बोलो तो कौन है माई डियर, किसके लिए प्रयोग किया गया है, लड़की के लिए, ठीक है, मतलब कोई एक लड़की है, उसके बहुत सारी जो सहेलियां हैं, सहेलियां, डिसएग्रीड, ठीक है, एग्रीड का देखिए अपोजिट है डिसएग्रीड, इसका अपोजिट डिसएग्रीड, ठीक है, तो उसकी सहेलियां डिसएग्रीड है, मतलब डिसएग्री मतलब असहमत, राजी नहीं है, नाराज है, ठीक है, तो हर फ्रेंड डिसएग्रीड, ठीक है, तो डिस एग्रीड, उसका फ्रेंड जो है डिसएग्रीड है, उनकी जितनी सहेलियां है डिसएग्रीड है, मतलब असहमत है, नाराज है, ठीक है, किससे, विथ हर। अब बोलिएगा विथ हर ऑन दैट पॉइंट, मान लीजिए, अब इसका कहानी सुनिए, मान लीजिए रानी बोल के एक लड़की है, वह कुछ स्टेटमेंट कहती है, मतलब वो कुछ बोलती है कुछ बात, ठीक है, अब उसकी सारी सहेलियां, मान लीजिए उसकी 10 सहेलियां है, सब जो है नाराज हो गई, किसके ऊपर, नहीं ये वाला नहीं चलेगा। तो जब भी डिसएग्रीड या एग्रीड, ये 2 वर्ड आपको लिख दे रहे हैं, एग्जाम का एक लॉजिक है माय डियर, ठीक है, एग्रीड वर्ड रहेगा या डिसएग्रीड वर्ड रहेगा, तो इसके बाद हमेशा जो है विथ लगाते हैं, क्या लगाएंगे, एग्रीड विथ, आई एम एग्रीड विथ यू, आई एम एग्रीड, आई एम डिसएग्रीड विथ यू, तो एग्रीड या डिसएग्रीड, ये दोनों में से कोई भी वर्ड अगर माय डियर स्टूडेंट हो तो आप विथ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ले सकते हैं, आपके सामने में है, क्या है, वी डैश बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, मतलब ये जो महीना चल रहा है, मान लीजिए करंट का महीना अभी चल रहा है, और अगला महीना मान लीजिए कुछ ना कुछ तो एक महीना होगा, तो अभी मान लीजिए जो महीना चल रहा है, ठीक है, आप सोच लीजिए मन में अभी जो महीना चल रहा है इसको कहते हैं करंट मंथ, करंट मंथ, और अगला महीना जो महीना चलेगा उसको कहते हैं फ्यूचर का मंथ, वो अगला महीना आएगा, गा, गे, गी, मतलब आएगा, ठीक है, तो गा, गे, गी, तो सर इसमें लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे, तो जब भी वी रहता है तो वी के संग में क्या लगता है माय डियर, ध्यान से देखिएगा, वी के संग में सेल लगता है, क्या लगता है, अगर यहां पर वी के जगह में मान लीजिए एग्जाम में अगर आई दे दे, आई या वी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, हर एक कमजोर स्टूडेंट लोग के लिए मैं बार बताऊं, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है उसको एक वीडियो जो है बोरिंग लगेगा, अरे इजी जी सर बता रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में इजी ही आता है, हार्ड सिखा के कोई फायदा नहीं है, अगर हार्ड देखना है तो मेरा और भी वीडियो जाकर देखिए, वहां एकदम हार्ड हार्ड टफ टफ सेंटेंस में वहां पर एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन आपके एनआईओ का क्वेश्चन पेपर मैं पूरा पलट के देख चुका हूं, पूरा चेक कर लिया हूं, एकदम इजी क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी मान लीजिए यह वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा सपोर्ट करेगा जिसको, जिस स्टूडेंट का इंग्लिश बड़ा ही डल है, बहुत पुअर कंडीशन है इंग्लिश, ठीक है, और वे ऐसे जगह में रहते हैं, मान लीजिए आसपास में एक अच्छा वेल नोन रेप्यूटेड टीचर इंस्टीट्यूट है नहीं, तो मेरे वीडियो के जरिए अगर सोच लीजिए अगर आपका 1 साल बच जाए मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, तो जब भी मान लीजिए सेंटेंस में देखिएगा आई, ठीक है, आई और वी, इन दोनों में से कुछ भी रहता है और फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, सेल लगेगा, क्लियर है,
अगर आई या वी के जगह छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के अगर मान लीजिए कुछ भी अगर आ जाए, जैसे विल, विल कहां लगता है मान लीजिए, ही सी दे सी, मान लीजिए कि कुछ भी इट, ठीक है, मान लीजिए कि इट, सॉरी मान लीजिए इट, या किसी का नाम, ठीक है, या कोई लड़की का नाम रीना, कुछ भी, क्लियर है, तो यहां विल लगता है। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो हम जो है मतलब हम लोग शादी करेंगे, ठीक है, वी विल बी मैरिड, मतलब हम लोगों का शादी किया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, अगला महीना हम लोगों का शादी किया जाएगा बाबू। तो वी के संग क्या लगता है माय डियर, सेल। तो देखिए वी सेल बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, ठीक है, वी सेल बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, ओके, मतलब हम लोगों का शादी करवाया जाएगा, ठीक है। यहां देखिए सेल बी लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस है माय डियर, सेल बी, ठीक है, मैरिड में देखिए ईडी लगा हुआ है, तो वी सेल बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, हम लोगों का शादी करवाया जाएगा अगला महीना, तो ठीक है। तो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सी डैश श्योरली आस्क अ क्वेश्चन, सी श्योरली, सी श्योरली आस्क, सी श्योरली आस्क अ क्वेश्चन, मतलब कोई एक लड़की है, ठीक है, वो पूरा श्योर है, मतलब क्या है माय डियर, बहुत गर्मी हो रहा है तो पूरा श्योर है, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं माय डियर। हाँ जो भी हो आपको पास करवाना है, चाहे जितना पसीना हो जितना गर्मी हो, तो कोई एक लड़की है माय डियर, ठीक है, कोई एक लड़की है, ठीक है, सी सी मतलब लड़की, पूरा सियोर है आस्क अ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन कहने के लिए, ठीक है। तो आपको यहां पर देखिए पहला नंबर की माइट तो होगा नहीं, ठीक है, अब बचा आपका सेल और विल, तो सी विल, एक एक करके पहले लगा के देखिए, सी विल श्योरली आस्क अ क्वेश्चन, मतलब वो श्योर कहेगी, एक क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको बता दे रहे हैं, अगर ये श्योर वर्ड नहीं रहता, ध्यान सुनिएगा बाबू, ये बहुत खतरनाक सेंटेंस है, स्टूडेंट लोग क्या होता है ना, यहाँ पर सी के बगल में विल लगा के घर आ जाएगा, आपका इजी एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, सिर्फ मेरा एक लेक्चर सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, वी और आई के संग हम लोग क्या लगाएंगे, हम सिखाते भी जा रहे हैं, वी और आई के संग हम लोग सेल लगाते हैं, ठीक है, अब उसके बाद में ही सी दे या किसी का नाम अगर आ गया राम, या मान लीजिए कोई जगह का नाम आ गया, प्लेस का नाम, प्लेस नेम, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग विल लगाते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अगर मान लीजिए फ्यूचर का बात चल रहा है और ए वाला वर्ड सियोर वर्ड दे देगा सियोरली, तो याद रखिएगा जो आई और वी, आई और वी के संग जो हम लोग सेल बोले हैं, अब यहां पे क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, विल लग जाएगा, क्लियर है। और ए वाला जो है मतलब जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम, राम, ही, सी, दे, और ए क्या होगा, इधर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब सेंटेंस में कोई भी चीज पक्का सियोर वर्ड दे देगा, मस्ट, अवश्य, तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ये वाला वर्ड नहीं देता, जैसे अभी थोड़ा देर पहले देखिए, वी सेल, वी के संग देखिए सेल लगाए हैं, देखिए वी के संग सेल, लेकिन यहां पर देखिए सियोर वर्ड दे दिया, मतलब वो काम पक्का 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 सियोर होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ही सी दे के संग में सेल और आई और वी के संग में विल, तो यहां पर सी के संग में विल होना चाहिए, लेकिन हम लोग लगाएंगे क्या माय डियर, सेल लगाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, जो जो स्टूडेंट विल लगा के अगर घर आ जाता है, जीरो इस क्वेश्चन में, बाकी में छक्का। तो चलता हूं, तो नेक्स्ट देख सकते हैं माय डियर, ही डैश कुकिंग समथिंग, मतलब कोई एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, खाना पकाएगा, खाना पका रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, देखिए यहां पर टाइम दे दिया है माय डियर, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां आपका जो है टाइम दे दिया है, मतलब एक लड़का है, मान लीजिए लड़का का नाम राकेश है, ठीक है, यहां राकेश लिख के रखते हैं,
मन में लेकिन रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने आप के ऊपर सोच लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए राकेश, अपना नाम यहां रख लीजिएगा, राकेश क्या कर रहा है, खाना पका रहा है, राकेश जो है कुछ पका रहा है, कुकिंग मतलब पकाना, खाना पकाना, राकेश जो है कुछ एक खाना पका रहा है या कुछ भी पका रहा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर सुबह से जो है फिक्स हो गया। अब देखिए सुबह से के लिए क्या होगा माय डियर, यहां पर देखिए विल भी दिया हुआ है, सेल भी दिया हुआ हैज भी दिया हुआ है, एज इज दिया हुआ है, तो यहां पर ही है। तो ये जब सिंस मॉर्निंग जो दे दिया है ना माय डियर, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज और हैव, मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए यहां दिया हुआ ही के संग में चाहे हैज लगाइए नहीं तो हैव लगाइए। हैज कहां लगेगा, एक आदमी के लिए हैज लगेगा, एक से ज्यादा के लिए हैव लगेगा, ठीक है। और बीन कंपलसरी है माय डियर, बीन लगेगा। और उसका में वर्ब का चौथा फॉर्म, देखिए चौथा फॉर्म दिया हुआ मतलब आई एन जी वाला फॉर्म दिया हुआ है, देखिए आई एन जी कुकिंग, तो यहां पर माय डियर क्या लगेगा, ही हैज बीन, देखिए ही हैज बीन कुकिंग समथिंग सिंस मॉर्निंग, राइट हो गया। अगर जहां पर यहां पर अगर लिखते हैं ही विल कुकिंग सिंस समथिंग, एक बार क्या कीजिएगा जो ऑप्शन वहां दिया रहेगा माय डियर, कुछ कुछ सेंटेंस देखते हैं ऑप्शन नहीं भी रहता है तो वहां आप जो है फीका पड़ जाइएगा। तो मेरा ये लॉजिक जो मैं आज वीडियो में दे रहा हूं बार बार, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा इतना सारा क्वेश्चन, फिर से रिपीट कीजिए, बैक जाइए फिर से देखिए। कल इंग्लिश का एग्जाम है, आज जो है ना ये वीडियो देख के जाइए, गारंटी दे रहा हूं आप निकल जाइएगा अच्छा नंबर से। एग्जाम देकर एक बार बाहर निकलिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ सर, नहीं फोन उठाएंगे आप, कमेंट सेक्शन में एक बार थैंक यू लिख दीजिएगा, मत सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लेकिन एक बार थैंक यू लिखिए, मुझे बड़ा खुशी मिलेगा मेरा वीडियो देख के आप छक्का मार लिए, ठीक है। तो चलता हूं, तो देखिए ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन कुकिंग समथिंग। अब देखिए यहां पर सेट हो गया, जब भी एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा पहले इसको लगा के देखिए, फिर इसको लगा के देखिए, फिर इसको लगा के देखिए, फिर इसको लगा के देखिए, एक एक ठो वर्ड यहां पर लगा के देखिए, ठीक है। लगा कर देखने के बाद में क्या होगा ना, देखिए जिससे आपका हिंदी मीनिंग सही निकल रहा हो, ठीक। दूसरा नंबर आपको लॉजिक बता दे रहा हूं आपका, एक बार स्पीड में इसको रीडिंग करके देखिए, ही हैज बीन कुकिंग समथिंग सिंस मॉर्निंग। और एक बार विल लगा के देखिए, ही विल बी ना होच्चे ना होच्चे ना होच्चे ना, समझ में गए माय डियर ऑल स्टूडेंट। जितने NIOS के स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 10 के हो चाहे मान लीजिए क्लास 12 के हो, मेरा इस वीडियो को अच्छा से देख के समझ के जाइए, ठीक है। और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, ये तो ग्रामर सेक्शन पे हूँ, फिर मैं राइटिंग स्किल पे भी जो है वीडियो अपलोड करूंगा, फिर आपका सीन पे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अनसीन में भी आपका वीडियो अपलोड करने वाला हूं, फिर लिटरेचर में भी वीडियो NIOS का अपलोड करूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए आई विश, मेरा इच्छा है, मेरा तमन्ना है, मैं चाहता हूं, ठीक है। आई अवॉर्ड बी, सबसे पहले बी, जब भी एग्जाम में बी ब्रैकेट में दे देगा, याद रखिएगा जब भी एग्जाम में बी ब्रैकेट देगा तो दिमाग में याद रखिएगा आपको लगाना है इज एम आर वाज वेयर। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, बी का बी यहां उतार देते हैं, बी बी, अब सोचते हैं बी का पास्ट टेंस क्या होगा, बी का जो है फ्यूचर टेंस, अरे पगला उतना नहीं, कुछ बेसिक जान के रखिए। ब्रैकेट में बी दे दिया है इसका मतलब बोला टू बी वर्ब, तो टू बी वर्ब क्या होता है, आपको इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाएगा टू बी वर्ब क्या होता है, टू बी वर्ब क्या होता है, तो टू बी वर्ब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट आप बोलिए, आपको बोला जा रहा क्या होता है टू बी वर्ब, नहीं याद है, पिछला क्लास में तो आपको सिखाए थे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए टू बी वर्ब क्या होता है, तो टू बी वर्ब क्या होता है, आई विश, मेरा इच्छा है, तो टू बी वर्ब क्या होता है पहले यहां देख लीजिए, इज एम आर वाज वेयर को हम लोग टू बी वर्ब कहते हैं, क्लियर है माय डियर। आई विश, मेरा इच्छा है, कास, ई आई विश का मतलब होता है कास, ठीक है, या मान लीजिए बोल सकते हो मेरा इच्छा है, ठीक है, मेरा इच्छा है, या काश मैं पक्षी होता, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलना होगा, काश मैं पक्षी होता, ठीक है, आई विश। तो
जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं मैं पक्षी होता, सोच के देखिए, मैं पक्षी होता, मैं तो पक्षी हूं नहीं, मैं तो इंसान हूं। तो जब मान लीजिए अपने आप को ऊपर ले लीजिएगा, अपने आप को लोक लीजिएगा, मान लीजिए आप पर्सन है लेकिन आप बोल रहे हैं बर्ड होता, तो इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं माय डियर ग्रामर में? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में आप तो है नहीं पक्षी, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए आई के संग हमेशा क्या लगता है माय डियर? एम लगता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में याद रखिएगा ग्रामर में आई के संग कभी भी वेयर नहीं लगता है, लेकिन मात्र यही एक सेंटेंस है इसके संग आई के संग में वेयर लगेगा। अक्सर स्टूडेंट लोग एनआईओस का या मैक्सिमम स्टूडेंट लोग जो है ना गलती कर देते हैं, ठीक है। आई विश, आई वाज अ वर्ड मत लिखिएगा, आई विश आई एम अ वर्ड मत लिखिएगा, आई विश आई वेयर अ वर्ड, वेयर लगेगा, वेयर वेयर, ठीक है। ये चीज याद रहेगा माय डियर, जब भी मान लीजिए कोई चीज आप हो नहीं लेकिन आप मन में कल्पना कर रहे हो तो उसके संग क्या लगता है? वेयर लगता है, वेयर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा माय डियर? ध्यान से देखिएगा, आई विश, मेरा इच्छा है, काश मैं पक्षी होता, आई डैश अ बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, तो आई वेयर अ बर्ड होगा, क्या होगा राइट आंसर? फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरिएगा? बी दे दिया है तो बी के लिए क्या भरिएगा? वेयर। देखिए आपके सामने में है एन नंबर क्वेश्चन। तो एन नंबर क्वेश्चन क्या है माय डियर? रानी वेंट, रानी गई, कहां गई? टू कॉलेज, सी सबमिटेड हर फॉर्म। मतलब रानी, आपको एग्जाम में दो सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर टू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस नंबर वन और सेंटेंस नंबर आपका टू। तो सर आप जो ये चैप्टर सिखा रहे हैं इस चैप्टर को कहते क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जाम में क्या होगा? ज्वाइन द सेंटेंस इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, मतलब आपको क्या करना होगा? इन्फिनिटिव में सेंटेंस को जोड़ना है, इन्फिनिटिव मैथड का इस्तेमाल, बाई यूजिंग इन्फिनिटिव मैथड, इन्फिनिटिव मैथड का इस्तेमाल करके आपको जोड़ना है। तो सर इन्फिनिटिव मैथड होता क्या है मुझे ये बताइए, एक नंबर। दूसरा नंबर आप मुझे यह बताइए इन्फिनिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सर इसका कुछ लॉजिक बता दीजिए ना, कि एग्जाम में कोई भी हार्ड सेंटेंस आए ना फटाक से हम बना लें, इसका कोई लॉजिक मुझे बता दीजिए। तो इसका लॉजिक देखिए, ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ आपको। एग्जाम में दो सेंटेंस इस तरह से दिया जाएगा माय डियर, ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस में मान लीजिए जो काम हो रहा है उसको कहते हैं वर्क, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस में दिया जाएगा वह काम जो पहला नंबर सेंटेंस में जो काम हम किए हैं, पहला सेंटेंस में जो काम किए हैं वो किस लिए किए हैं, मतलब सेकेंड सेंटेंस में आपका रहेगा मकसद, क्या रहेगा आपका? गोल रहेगा, ठीक है माय डियर, आपका गोल दिया रहेगा, एम्बिशन। तो देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, रानी वेंट टू कॉलेज, रानी कॉलेज गई, क्यों गई? यहां पर मन में अपना क्वेश्चन कीजिए, रानी कॉलेज गई लेकिन क्यों गई? क्यों, आप बोलिए क्यों गई? सी मतलब रानी, ये सी किसके लिए आया? रानी के लिए आया। रानी सबमिटेड हर फॉर्म, मतलब रानी कॉलेज गई, वहां जाकर अपना फॉर्म जमा कर दी, वहां जाकर अपना फॉर्म जमा कर दी। तो सर इसको बनाने का कोई इजी मेथड बता दीजिए ना सर। तो इसको बनाने का इजी मेथड आपका क्या है? फटाफट कॉपी में आप उतार लीजिए। देखिए पहले सब्जेक्ट लाना है रानी, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको भर्व लगाना है, जैसे इजी एमआर वाजगर कुछ भी दिया हुआ है, या वी टू वी वन, फिर उसके बाद में टी ओ टू लगाना है, फिर भर्व का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एक्स्ट्रा दिया रहेगा तो लिखना, नहीं तो नहीं। अब देखिए सेंटेंस हम बना कर दिखा, देखिए रानी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, देखिए ये वाला रानी भर्व वेंट, ठीक है, रानी गई, कहाँ गई बाबू? टू कॉलेज, देखिए रानी वेंट टू कॉलेज, क्लियर है। आप देखिए सब्जेक्ट भर्व, यहाँ पर देखिए कॉलेज हम क्या हो गया, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया माय डियर, ध्यान से देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका भर्व का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये आपका कॉलेज हो गया, रानी वेंट टू कॉलेज, यहाँ ऑब्जेक्ट घुसा सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट क्या करने के लिए? टी ओ टू टू, ठीक है, रानी वेंट टू कॉलेज टू सबमिट, सबमिट क्वेश्चन में सबमिटेड दिया हुआ है माय डियर, लेकिन आपको लिखना है क्या? टू टू सबमिट, ठीक है, हर फॉर्म, यही लिख दे रहा हूं हर फॉर्म, क्लियर। अगर एग्जाम फॉर्म होगा तो एग्जाम फॉर्म। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है माय डियर, रानी कॉलेज गई,
सी सबमिटेड हर फॉर्म, यहाँ सबमिटेड जो है वहां पर हम सबमिट कर दिए हैं। क्यों किए हैं याद हमेशा रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में इन्फिनिटिव सेंटेंस बोलेगा 6 मार्क्स का आएगा माय डियर, 6 नंबर का, इसको हार्ड समझ के छोड़ मत दीजिएगा। जब भी एग्जाम में आपको इन्फिनिटिव सेंटेंस से जोड़ने बोलेगा, ज्वाइन द पेयर सेंटेंस, तो आपको क्या करना होगा, TO2 लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो देखिए, रानी कॉलेज गई टू सबमिट हर फॉर्म, रानी कॉलेज गई अपना फॉर्म को जमा करने के लिए, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस, तो नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं माय डियर क्या दिया हुआ है, डैश डू यू नीड दिस मनी। अब आपको क्या करना है, विच और वाई, यह जो चैप्टर है माय डियर बहुत एक वास्ट चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको एक सेंटेंस दे दे रहा हूँ, क्योंकि कई साल का पेपर में मैं चेक किया हूँ, पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आपका WH, इस चैप्टर को कहते हैं WH फ्रेमिंग वर्ड, फ्रेमिंग वर्ड। आपको बता दे रहा हूँ टोटल WH कितने होते हैं इंग्लिश में, 9 होते हैं। कितना होता है माय डियर, टोटल WH इंग्लिश में 9 होता है। क्या क्या, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, हाउ, ठीक है, हुम, तो टोटल आपका 9 वर्ड होता है माय डियर WH। अब आपको इनमें से 2 वर्ड दे दिया है, आपको बोला, कभी कभी एग्जाम में ये दोनों वर्ड नहीं भी देता है, तो आपको मीनिंग सेट कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार विच लगा के देखिए तो नहीं सेट करता है, एक बार विच लगा के देखिए, विच डू यू नीड दिस मनी, नो मीनिंग, कोई अर्थ, कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक बार वाई लगा के देख के सेट कीजिए, दिमाग में जो है एग्जामिनेशन हॉल में भड़बड़ा के आंसर मत लिख दीजिएगा, एक बार क्या कीजिएगा, दोनों में से एक लगा के देखिए, तो वाई डू यू नीड दिस मनी, आपको यह अमाउंट क्यों चाहिए, वजह। तो जब मान लीजिए कोई रीजन अगर हो, क्या हो माय डियर, कोई रीजन हो, तो उसके लिए हम लोग वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर है माय डियर, नेक्स्ट देख सकते हैं माय डियर दिया हुआ है, ही इज वन ऑफ द डैश, तो जब भी याद रखिएगा यहां पर, जब भी याद रखिएगा माय डियर, वन ऑफ द दिया हुआ है, ठीक है, वन ऑफ द लगा हुआ है, तो जब द लगा रहता है, इसको ग्रामर में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्या कहते हैं माय डियर, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, वन ऑफ द दिया रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये हमेशा, जब भी वन ऑफ द रहेगा या द रहेगा, तो सुपरलेटिव डिग्री में के लिए क्या होता है, यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं लगेगा, तब जब आपको मालूम चल गया है वन ऑफ द दिया हुआ है, द को देख के, ये वन ऑफ द को देख के आपको मालूम चल गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मूला है, तो क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में इंटेलिजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट आंसर क्या होगा, तो ही इज वन ऑफ द, यहां होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा माय डियर, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो याद रखिएगा जब भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, बेटर, बेटर को कहते हैं कॉम्पिटेटिव डिग्री, गुड को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। डिग्री कितने होते हैं, जब डिग्री चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, डिग्री कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा याद रखिएगा, या सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, क्या चीज का प्रयोग होता है माय डियर, द का, अगर ए एंड द में भी रहेगा, मान लीजिए यहां पर मोस्ट इंटेलिजेंट दिया हुआ है, मोस्ट इंटेलिजेंट जिन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा, एन लगाइएगा, कि द लगाइएगा, द लगाइएगा, क्लियर है माय डियर। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है माय डियर, क्या दिया हुआ है, रोहित डैश हिज फादर, इस तरह का भी क्वेश्चन हम देखे हैं, मतलब टेंस चेंजिंग में दिया रहता है, प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में हम चेक किए हैं कि NIOS का बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग यहाँ पर क्या करता है ना, स्पोकन इंग्लिश में, जो स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, एवरी टाइम स्पीक इंग्लिश, एवरी टाइम टॉक इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश स्पीक ज़्यादा एनी टाइम, ऑफिस में, घर में, फ्रेंड सर्कल में, अगर इंग्लिश ज़्यादा आप बोल रहे हैं तो कन्फर्म है कि आपका ना ग्रामर का इस्तेमाल बहुत कम होगा, लेकिन आप जो है इंग्लिश बहुत, यू कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, ओके, तो फ्लुएंटली आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए, रोहित, तब यहाँ पर लव होगा कि लव्स होगा, अब इसका कहानी सुन लीजिए, राइट आंसर कोई स्टूडेंट क्या करता है, लव लिख के आ जाता है, LOVE, रोहित लव हिज फादर, लेकिन माय डियर ये 100% रॉन्ग है, राइट आंसर क्या होगा, एस लगेगा, रोहित लव्स हिज फादर। सर इसका कुछ लॉजिक दे दीजिए ना, क्यों एस लगेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं ये लव्स क्यों लगा, देखिए रोहित मेरा सब्जेक्ट हो गया, लव्स मेरा वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, जब भी किसी वर्ब के संग में एस लग जाता है या ES लगता है,
ठीक है, तो उसको जब भी किसी भर्व के संग में एस लगता है या ईएस लग जाता है उसको कहते हैं भर्व का पछुआ फॉर्म। तो देखिए याद रखिएगा, आई दे ठीक है, वी और मान लीजिए बी ओ वाई एस बॉयज, ये जो है बहुवचन है जिसको कहते हैं प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस 12 होते हैं ठीक है माय डियर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब प्लुरल सब्जेक्ट रहता है तो इसके संग में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एल ओ भी ई लव, लव में एस नहीं लगा, इसको जब एस आई एस नहीं लगता उसको भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं माय डियर, ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, ही सी ठीक है, या मान लीजिए कोई नाम राम, या मान लीजिए कोई लड़का, जैसे देखिए यहाँ पर बी ओ वाई एस लिखे थे, यहाँ सिर्फ बॉय लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है वर्ब का पचवा फॉर्म। अब जैसे लव का पचवा फॉर्म करेंगे तो क्या होगा माय डियर, लव्स एस लग जाएगा माय डियर, क्लियर है। तो यहाँ तो आज का वीडियो मेरा यहाँ फिनिश हो जाता है माय डियर। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पोर्शन में कहीं भी डाउट हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में, और इस वीडियो को देखने के बाद में घर में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट पेपर व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, एकदम 99 रुपया में मैं आप लोग को पीडीएफ फाइल दे दूंगा, सब में आंसर भी दे दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हर एनआईओज में आने वाला सारा क्वेश्चन वहाँ रहेगा, किस तरह से आता है फिलिंग द लेंस, एकदम इजी सेंटेंस तोड़ तोड़ के। आपको ट्यूशन नहीं ज्वाइन करना है, बहुत दूर रहते हैं आप, खिलीपुर नहीं आ सकते हैं, खिलीपुर कोलकाता है मेरा क्लास चलता है, आप प्रैक्टिस सेट पेपर मुझसे परचेज कर लीजिए। आप क्या कीजिए, घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है, संग में आंसर भी दे दूंगा, आप उसको मिला लीजिए ब्लैक पेन से ब्लू पेन से, और इतना मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ। तो वास्तव मुझे सपोर्ट कीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, एनआईओएस के सारे स्टूडेंट लोगों को टीचर लोगों को, कि हो सके मेरी वीडियो को देख के अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं, क्योंकि अक्टूबर का महीना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप एग्ज़ाम पास कर लीजिए, और अप्रैल वाला महीना में भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर